हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा आपके YouTube चैनल पर। तो आज हम निकल पड़े हैं सात धार शिव मंदिर पावड़ा, जो फरस गांव से लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहां पर सात धार शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। और हम बड़े डोंगर से निकल चुके थे। यहाँ से लगभग 15-18 किलोमीटर की दूरी पर है यह पावड़ा। तो चलिए दोस्तों, आपको हम ले चलते हैं पावड़ा। उससे पहले हमारा गाड़ी का पेट्रोल फुल कर लेते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि बस कोई टंकी की सुविधा नहीं है पेट्रोल टंकी की, तो आप फरस गांव से फुल करके निकले अगर आपको पावड़ा आना है। पेट्रोल टंकी फुल होने के बाद हम फिर से निकल जाएंगे पावड़ा की ओर। तो इंजॉय दोस्तों, मिलेंगे सीधे पावड़ा। उस गली जहाँ कोई किसी को न जाने। तो दोस्तों हम लोग लगभग पहुंचने ही वाले हैं पावड़ा। आपको एक रोड सीधा ले जाता है जो उरंदा बेड़ा की ओर ले जाता है, कोटपाड़ होती है, तो वहाँ से आपको लेफ्ट कटना है। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं पावड़ा पर। आप देख सकते हैं यहीं से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। अभी बरसात का मौसम है तो पानी यहाँ पर भर चुका है। और दोस्तों यहाँ पर इससे पहले पुल की सुविधा नहीं थी, अभी यह पुल निर्माण कार्य में है, जारी है अभी। तो इससे पहले यहाँ बांस की एक पुल बनी थी और पहले माना जाता है कि नाव से ही जाते थे यहाँ पर पूजा करने इस पावड़ा पर। और यहाँ शिवरात्रि में काफी बड़ा मेला लगता है इस पावड़ा पर। और देख सकते हैं दोस्तों इस खूबसूरत मंदिर जो भोलेनाथ की है, सात धारा शिव मंदिर के रूप में जाना जाता है। और बता दूं कि यह जानकारों के मुताबिक इस सात धार यहाँ पर मिलती है, इसके पीछे और भी कहानी है। दोस्तों यह सात धार बनती है और इस जगह से विभाजित हो जाती है। माना जाता है कि यहाँ गाँव वाले के अनुसार यहाँ बाढ़ भी आती है तो आसपास गांव को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है, लेकिन इस मंदिर तक अभी तक पानी नहीं पहुँचा। सात साल में एक बार ही बस हल्का सा पानी मंदिर की ओर स्पर्श करती है। और माना जाता है कि यह 1981 में इस मंदिर का निर्माण हुआ है और हलवा समाज के द्वारा हुआ है। यहाँ भगवान शिव के अलावा गणेश भगवान और माँ पार्वती की भी मंदिर है। और यह हलवा समाज के द्वारा बनाया गया मंदिर है। और एक मछुआरा था जो हलवा समाज का था, जिनको यह वरदान भी मिला था कि जब मछली पकड़ने आए तो उनको बुलाने पर मछली आ जाती थी, यह भी मान्यता है दोस्तों। और यहाँ पर कलारिन भट्टी भी है जो राजा महाराजा के ज़माने से है, जो खर और भूषण को दारू बनाकर पिलाए थे। तो दोस्तों आप भी इस जगह पर आइए, इस खूबसूरत नज़ारा का एंजॉय करिए। और आज हम अपने दोस्तों के साथ आए हैं इस जगह पर, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मौसम भी काफ़ी सुहाना है, तो एंजॉय दोस्तों। I'm sorry.
ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕਰੇ ਉਹ ਗੋਰਾ ਮਹਿਲਾਂ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮਹਿਲਾਂ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਸਾਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ इसके बाद हम लोग निकल जाएंगे घर की ओर। और आज शनिवार का दिन है दोस्तों, यहाँ पर साप्ताहिक बाज़ार जो शनिवार को होती है, यहाँ पर भी हम लोग थोड़े देर इस बाज़ार पर घुसे थे। और लास्ट टाइम हम लोग पावड़ा 1 जनवरी को आए थे पिकनिक दोस्तों के साथ। और इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था दोस्तों कि इस जगह के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें और आएं इस जगह पर। और कार्तिक पूर्णिमा में इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है दोस्तों, आप भी आइए। थैंक यू सो मच दोस्तों।